बाला देवी पानीपत से आ रहे। प्रॉब्लम आंख में पस आता है, दिक्कत होती है ऐसे लौटने में भी, बैठने में भी, पीछे की साइड में भी दर्द, आगे की साइड में भी है। तो ये देखो अभी भी आया है इसमें। ये एक अमर हॉस्पिटल है 6 सेक्टर में करनाल, उस पर भी टेस्ट करवाया था, उसने भी यही बताई थी भैया आपका ऑपरेशन होना है। तो बोलता बीबी यहाँ तो आपका ऑपरेशन होएगा नहीं, आप यहाँ दिल्ली चले जाओ। तो दिल्ली तो पूरी टीम है भैया, आपका मामला थोड़ा सा नसों का है। देवी जी, पानी आने की प्रॉब्लम है आपको, आँखों से हमेशा ही आता रहता है पानी, बार बार साफ करना पड़ता है, ठीक है। उसमें दर्द भी होता है कोई? हाँ, दर्द होता है। और कि चिपक जाती है? कई बार पहले चिपकती थी, अब चिपकती नहीं है ना। हाँ। अब अंदर ज्यादा दिक्कत है, जब अंदर से चिकना पानी गांठ सी बन जाता है, गांठ भी आ जाती थी पहले तो कई बार, अब गांठ नहीं आती बार, ठीक है। हाँ, अंदर ही है। ऊपर को देखिए, ठीक है, लेट जाइए, अभी साफ कर देंगे, चिंता नहीं करें, लेट जाइए आप, इसके ऊपर ही लेटना है आपको, आराम से, ठीक है। ठीक है। माता जी का पानी जाने का रास्ता बंद हो गया है, तो हम ऑपरेशन करके एक दूसरा रास्ता बना रहे हैं, बिकॉज जो ओरिजिनल रास्ता है वो इन्फेक्शन की वजह से बंद हो गया, उसको दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता है। तो एक ऑल्टरनेटिव पैसेज बनाते हैं जो कि नाक के अंदर डायरेक्टली ड्रेन करता है, तो इसमें जो इन्फेक्शन है उसको, उस एरिया को खोलते हैं और नोज़ के अंदर के लाइनिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं, वही करने वाले हैं। So we have bypassed that path. This is the nasal part which was blocked. So this sac joins the nasal mucosa. So tear from eye will go directly through this path and therefore watering will stop. So we're going to close this now. Pani aaya gale mein? हाँ ना, पानी आया? आया भी। ठीक है, पी जाओ उसे। 60 वाइक्रेट पी जाओ, पी जाओ। बस एक मिनट, अभी एक दो टांके लगाने हैं, फिर सारा कुछ हटा देंगे। बहुत अच्छा हो गया, जो पहले दिक्कत आती थी पानी आने की, चिकनापन आने की, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। आँख में डालने की दवाई बताएंगे, वो डालना शुरू कर लीजिएगा, एक मलम है वो लगा लीजिएगा और टैबलेट ले लीजिएगा, ठीक है। 2 हफ्ते के बाद एक बार दिखा के टांके कटवा लीजिएगा, बस, ठीक है। आप माता जी ठीक हैं? आप घर जाके आराम कर लीजिएगा, दवाइयाँ डालना आज से शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत खून आ सकता है नाक से, नाक से खून आएगा तो नाक को ऐसे दबा के रखिएगा, मुंह से सांस लीजिएगा, थोड़ी देर ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, तो अच्छा ऑपरेशन हो गया, इनके ओपनिंग को बाईपास कर दिया है, अब ये जो ब्लॉकेज की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी पहले, अब वो नहीं आएगी। शी विल बी कंफर्टेबल फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ, ठीक। So I am Dr. Raj Anand. Just now what you saw was dacryocystorhinostomy or DCR in short. What happens? There is a natural tear drainage in all of us. Tear starts getting secreted from the lacrimal gland. Then through two small openings in the lid, it goes through the nose and it gets drained in the throat. For some reason, because of infection or some unknown reasons, that passage gets blocked, and then because tear cannot be drained, it keeps coming out from the eyes. That gives a very unsightful and unsocial look. It looks as if the person is constantly crying. So we make a separate opening, because the first opening is permanently blocked, and we create a bypass so that tear can be drained naturally in the nose, and then this symptom disappears and patient is back to comfortable. Thank you.